दसवीं के छात्रों का इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश बोर्ड कल 12 बजे जारी करेगा दसवीं का परिणाम। 11.5 लाख स्टूडेंट्स का आएगा रिजल्ट। रायगढ़ शहर का एटीएम लूटने का प्रयास, गाड़ी के चालक की गोली मारकर हत्या। दिनदहाड़े हत्या से शहर में दहशत। 15 अगस्त को लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन, कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने किया तैयार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुख करते हैं खबरों का। शिवराज सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर भोपाल स्थित बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया। वर्चुअल रैली के जरिए बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने प्रदेश की जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे चीज मुझे नोचने के लिए बैठे हैं। मैं कांग्रेस में रहकर भी सदा सत्य का साथ दिया हूं और शिवराज सिंह चौहान भी कांग्रेस पर बरसे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पूरे देश के किसानों के लिए ज्वालामुखी की तरह प्रधानमंत्री ने आज के इस कार्यक्रम में हमसे दूर है क्योंकि एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं पूरे देश के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में पूरे देश के किसानों के लिए एक ज्वालामुखी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ग्वालियर चंबल संभाग का झंडा बुलंद करते हुए आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मंच पर आसीन, जिन्होंने जिंदगी में सदैव सत्य का रास्ता अपनाया है। आवाज बुलंद है, शैली बुलंद है, लेकिन जिन्होंने जनता के दिल में सदैव स्थान पाया है केंद्र सरकार के मेरे मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी। इस वर्चुअल रैली के तहत आज सभागार में उपस्थित प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं। अन्न की कहीं कमी ना रहे, पिछले अभियान चला प्रधानमंत्री जी का, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश में तो हमने आते ही पहले 3 महीने का दे दिया, वो दे के निपटे तो प्रधानमंत्री जी का और आ गया, दो दो महीने का और दे दो हम क्या वो भी ले लो। फिर कई जगह बताया कि कई के पास तो राशन कार्ड ही नहीं है, 32 लाख नाम निकले, हम क्या तुम भी ले लो। फिर प्रवासी मजदूर आ गए, हम क्या कमी नहीं आने देंगे, इनको भी दो। राम की चिड़ैया राम को ही खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट, चिंता मत करो। और अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 नवंबर तक 10 किलो 5 किलो 1 रुपया किलो वाला और 5 किलो निशुल्क वाला 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा हर महीने नवंबर तक। मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में पाटन जनपद पंचायत के मोहरी कटरा में सरपंच पति की दबंगई के सामने सब घुटने टेक रहे हैं। सरपंच द्वारा सरकारी जमीन छोड़कर आरजी पर सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी मिलने पर जमीन के मालिक मोहरी कटरा निवासी अखिलेश द्विवेदी ने इस बात की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिरोंज विद्युत मंडल के कर्मचारी ही नहीं लगाते हैं मास्क, एवं बिना मास्क लगाए उपभोक्ताओं से करते हैं। जिस तेजी से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है और हर जगह एहतियात बढ़ती जा रही है, वहीं सिरोंज विद्युत मंडल के अंदर कर्मचारी खुद तो मास्क लगाते नहीं और बिना मास्क के आए उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें भगा देते हैं। इस मामले में जब सिरोंज AE राहुल ठाकुर ने बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप बैठे रहे। उनके चुप्पी से ये प्रतीत होता है कि विद्युत मंडल कर्मचारियों एवं अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं है। भोपाल भक्ति
अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायगढ़ के सांसद गोमती साय का बड़ा बयान सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के सामने बाकायदा गोमती साय शासन प्रशासन को आज आदेशित किया गया कि अपने सांसद पद का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि शेरनी अभी जिंदा है, ज़्यादा डराने और धमकाने की ज़रूरत नहीं है। आक्रामक अंदाज के लिए गोमती साय प्रसिद्ध हैं, चाहे मंत्री हो या फिर कोई और, गोमती साय का अंदाज ऐसा ही है। कभी डरते नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जाबाज कार्यकर्ता है, निडर कार्यकर्ता है। आज ये लोग सोच रहे होंगे शासन और प्रशासन कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हाथ थक थक के बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जवानों को डरने की जरूरत नहीं है। रायगढ़ शहर से लगे किरोड़ी मलनगर में दिन दहाड़े गोली चलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक SBI के ATM में पैसे डालने के समय गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद ATM को लूटने की योजना बनाई गई थी, लेकिन आरोपी सफल नहीं हो पाए। जानकारी पर पहुंची कोतरा पुलिस जाँच में जुटी हुई। बिलासपुर रेलवे जोन में कोरोना संक्रमण के दौरान कराए जा रहे कोविड स्पेशल पार्सल ट्रेन से अगले जून के महीने में तकरीबन 6000 टन पार्सल की धुलाई की, जिससे रेलवे को 1 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। दरअसल ऐसे कोविड स्पेशल पार्सल ट्रेन में केवल जरूरी दवाइयां, उपचार के उपकरण, ड्राई फ्रूट्स, प्लास्टिक की थैली, मास्क और दूसरी आवश्यक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और CPRO संकेत रंजन ने बताया है कि इस कोविड स्पेशल पार्सल ट्रेन से बिलासपुर रेलवे जोन को तकरीबन 1 करोड़ रुपए के राजस्व मिला है। इस जून के महीने में कोविड स्पेशल के नाम से जो पार्सल चल रही है उसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जून महीने में लगभग 6000 टन पार्सल की ढुलाई की गई। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम करने के लिए ठेकेदारों द्वारा नक्सलियों को सहयोग करने का मामला कुछ माह पहले सामने आया था, जिसमें कांकेर सहित राजनांदगांव के ठेकेदारों के नाम आए थे, जिसके बाद कांकेर पुलिस ने एक अभियान चलाते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। नक्सलियों को सहयोग करने के लिए बड़े ठेकेदार वरुण जैन जो फरार चल रहा था, जिसे आज राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वरुण जैन के ऊपर आरोप था कि वे नक्सलियों को आर्थिक मदद करता है। आज हमने बागनदी क्षेत्र में हमको यह सूचना मिली थी कि कांकेर में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है नक्सली मामले का, उसमें वरुण जैन जो फरार चल रहे हैं उनको देखा गया है। मुखबिर की सूचना पर हमने वहाँ पे इनको तलाश किया और पकड़ के गिरफ्तारी की है। अभी कांकेर पुलिस आ रही है, इस पर उनको सुपुर्द दिया जाएगा। बिलासपुर केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कोल उद्योग के संयुक्त ट्रेड यूनियन गुरुवार से 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। बिलासपुर में SECL मुख्यालय के सामने यूनियन के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि यूनियन का विरोध कमर्शियल माइनिंग और निजीकरण को लेकर है। यूनियन की मांग है कि कमर्शियल माइनिंग और कोल उद्योगों के निजीकरण पर रोक लगे। उनका कहना है कि इससे श्रमिकों का हित प्रभावित होगा। हड़ताल में BMSA, HMS, HTC2, इंटर शार्मिक और ट्रेड यूनियन के हड़ताल से गोवरा, दीपका, कोरबा के कोल खदानों में उत्पादन प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते 3 दिवसीय हड़ताल जारी है। भारत सरकार द्वारा कमर्शियल माइनिंग और कोल उद्योग में निजीकरण का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके संबंध में हम लोगों ने 3 दिवसीय हड़ताल रखा है। सरकार द्वारा कई स्तर से हमको सचिव स्तर और मंत्री स्तर से वार्ता हुई है हमारे शीर्ष प्रबंधन की, लेकिन उसमें उन्होंने कमर्शियल माइनिंग का जो प्रस्ताव है उसको वापस लेने पे तैयार नहीं हुआ। हमारे यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जांजगीर नैला नगर पालिका ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आवारा मवेशियों को सड़क से सुरक्षित स्थान में पहुंचाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से प्रदेश के सड़कों में आवारा मवेशियों को गौठान पहुंचाने के निर्देश जारी किए थे। जांजगीर नैला नगर पालिका में गौठान नहीं होने के बाद भी नगर पालिका ने स्विमिंग पूल के पास खाली जमीन को अस्थायी गौठान बना दिया और सड़क में कब्जा जमाए बैठे मवेशियों को काउच कैचर के माध्यम से गौठान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जांजगीर के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है और हम लोग उसमें टेंडर की कार्यवाही करने जा रहे हैं। चूँकि हमको समय सीमा में कार्यक्रम करना था, 1 जुलाई से हम लोगों को सख्त आदेश है कि कड़ाई से इसमें कार्यवाही करें और एक भी मवेशी सड़क पे नहीं दिखना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने अस्थायी गोठान का निर्माण किया है और सुबह शाम 2 शिफ्ट में हम काउगेचर से कार्रवाई। देशभर में लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा पिथौरा में बस स्टैंड में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। और इसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेंगे। भाजपा पार्टी के नेता मन है चूड़ी धर के घूमत है, महंगाई के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में, कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी के बावजूद जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है और उसी के अंतर्गत हर ब्लॉक में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज पिथौरा में भी पेट्रोलियम के पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, पुतला दहन किया गया है और जब तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कच्चे तेल के अनुरूप कम नहीं होंगी ये प्रदर्शन देश भर में जारी रहेंगे। जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम में जो वृद्धि हो रही है इसको रोकने के लिए मतलब केंद्र सरकार को किस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि दामों में कमी आए? सीधे तौर पर जिस तरह से अभी 3 रुपये एक्साइज में सीधे बढ़ाया गया है, इस तरह से जो टैक्सेशन है 33 रुपये प्रति लीटर एक्साइज के रूप में हम लोग पटा रहे हैं, ये दरें यदि कम कर दी जाए तो अपने आप पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे और कच्चे तेल की कीमत तो वैसे भी $40 पर आ गई है प्रति बैरल, तो रेट को तो टैक्सेशन के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है और पेट्रोल डीजल कम दर में उपलब्ध कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी जमीन बेचे जाने के विरोध में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने बलौदा बाजार भाटापारा में सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला दहन किया। क्रांति सेना के प्रदेश सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकारी जमीन को सरकार द्वारा बेचे जाने का फैसला बेहद बचकाना है। कोटा के रतनपुर में डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने महामाया चौक में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर अध्यक्ष विजय केशवानी, अफलातारा के पूर्व विधायक और बिलासपुर जिले के प्रभारी चुन्नीलाल साहू बैलगाड़ी में सवार होकर उप तहसील मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम पत्र दिया जिसमें बढ़े हुए मूल्य वृद्धि को कम करने की मांग की गई। कोरोना काल में भारतीय रेलवे एक से बढ़कर एक प्रयोग करने में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले सुपर एनाकोंडा नाम से 177 डिब्बों वाली मालगाड़ी चलाने के बाद अब रेलवे ने एक और बड़ा प्रयोग किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा गुरुवार को 2773 मीटर यानी कि लगभग 3.25 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर प्रशिक्षण किया। चार एमटी रेक को एक साथ समेट करके
नागपुर डिवीजन से बिलासपुर डिवीजन के मध्य परिचालित किया गया और जिसे कोरबा तक पहुंचाया गया। ज्ञात हो कि यह इंडियन रेलवे में पहली बार हो रहा है कि एक साथ चार रेक को संयोजित किया गया हो। इस सुपर लोहा का नाम शेष नाग दिया गया है, जिसमें कि 251 वैगन शामिल हैं और जिसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर। पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर अवैध शराब ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तेलियामार पासन निवासी मानबेर उराव साइकिल से पासन की तरफ झेले में शराब रख कर तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से 4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद करी। ये मानवीर है, मानवीर का मांस है, गांव है, ग्राम में तेलिया मार का काम कर रहे हैं। मेरी साइकिल से भटनी तरफ से 25 पाव अंग्रेजी गोवा शराब लेकर के आ रहा था, साइकिल से लेकर आ रहा था। मुखबिर की सूचना पर स्टाफ जा कर के उसको रेड कार्रवाई किए हैं। 25 नग अंग्रेजी गोवा शराब है और एक पुरानी साइकिल साइलेंस रंग की पुराना इस्तेमाल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में है आपकी अपनी भूपेश बघेल सरकार। इसीलिए न सिर्फ नए स्कूलों के निर्माण हो रहे हैं बल्कि पुराने स्कूलों का उन्नयन भी हो रहा है जोरदार। वैश्विक महामारी के दौर से बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है पढ़ई तुम्हर द्वार। कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए इस पोर्टल में है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारी जानकारी। साथ ही स्तंभ में जानते हैं बच्चे अपने नायकों के बारे में पूरी कहानी। अब समय से पूरा होगा सिलेबस और बच्चे के पास है बार बार विषय को समझने का बेहतर विकल्प। साथ ही शिक्षकों से मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 28 जिले में 40 उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। साथ ही शिक्षकों को दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग जो बना रही है बच्चों का भविष्य बेहतर। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हाई स्कूल के बच्चों को ITI के साथ मिलकर दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, जिसके पूरा होने पर मिलता है प्रमाण पत्र। लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर, अब हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़ बो नवा छत्तीसगढ़। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित, 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। देख रहे हैं की न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसका आक्रोश कांग्रेसियों में देखने को मिला है। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ भाटापारा के फव्वारा चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान नेता ने धरना को अनिश्चितकालीन चलने की बात भी कही है और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। अगर आज मैं ये बात कहूं आपसे कि हम मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, आज इस एक दिवसीय धरना के तहत में आज इस नरेंद्र मोदी कच्चे तेल की कीमत लगातार कम होने के बाद भी हमारी सरकार जो लगातार डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा रही है, उससे हम उसकी भर्त्सना करते हैं। आज पूरा संतोष किसानों में है। आज किसानों को कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर के लिए उपयोग कर रहे हैं, कृषि यंत्र उपयोग कर रहे हैं, उसमें भारी कीमत में उन्हें डीजल खरीदना पड़ रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 130-135 डॉलर प्रति बैरल का कीमत था, आज मात्र 40 डॉलर का रेट है। ज़्यादातर किसान लोग इसमें तरस्त हैं। अभी खेती किसानी का समय है, उसके बाद मोदी सरकार ने 23 दिन में 22 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। अभी के डेट में ऐसा हो गया है कि पेट्रोल से डीजल आगे निकल गया है। देश में अचानक पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने से आम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेट बढ़ने से कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना दिया है और डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध किया। महंगाई के विषय में तो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जनता सीधा सीधा मर रहे हैं। अब वाकई में हर इंसान को, हर परिवार में गाड़ी है। आज के आधुनिक युग में बगैर गाड़ी के, बगैर डीजल पेट्रोल के काम नहीं चल पाएगा। चाहे खेती का भी काम करते हैं, ट्रैक्टर हो, चाहे कहीं जाते हैं तो मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुल मिला के डीजल पेट्रोल अनिवार्य है। और ये मोदी सरकार जो द्वारा आम जनता को इसके तहत मूल्य में वृद्धि करके परेशान किया जा रहा है, वाकई में सोचने वाला बात है। इनको पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीते दिन बलौदा बाजार के बीजेपी नेता भक्ति यादव की 6 लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पूरा नगर छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने महज 7 घंटों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अब आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलने के लिए मृतक की पत्नी ने जिला कलेक्ट्रेट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग करी। पीड़ित के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा संरक्षण की मांग की गई है। इसको पुलिस अधीक्षक के पास भेजा जाएगा, जो भी उसमें उपयुक्त संरक्षण जरूरी होगा दिया जाएगा। तो पूर्व यहाँ बलौदा बाजार मुख्यालय में एक युवक की हत्या हुई थी, जिसपे आरोपियों को अरेस्ट करके भेजा गया था न्यायिक रिमांड पर। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। मृतक के परिजन उसकी पत्नी के द्वारा अपनी कुछ मांगों को रखते हुए अपने ज्ञापन सौंपा गया है। रायगढ़ के किरोड़ीमल आजाद चौक के बीचों बीच चली गोलियों से पूरा शहर दहल उठा है। किरोड़ीमल नगर में दिन दहाड़े गोली मारकर फिल्मी अंदाज में एक कैश वैन से 13 लाख रुपए की लूट कर ले गई। लुटेरी की गोली से घायल गार्ड की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे किरोड़ीमल नगर में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि लूट करने में भूतेद की तरफ भाग रहे थे। मौके पर कोटरा रोड थाना प्रभारी और उच्च अधिकारी घटना में मौजूद रहे। शहर में चारों तरफ नाकेबंदी की गई है और घटना में पुलिस जांच में जुट गई। दंतेवाड़ा जिले में भाजयुमो ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर छत्तीसगढ़ के निष्क्रिय कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियों में वादा खिलाफी का आरोप लगाकर जगह जगह पुतला दहन किया गया। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा में भी प्रदेश सरकार द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में बेरोजगारों को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता, पूर्ण शराबबंदी, धान का बोनस, साथ ही तेंदुपत्ता के बोनस जैसे मामले इत्यादि मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया गया। परंतु इस प्रदर्शन के सभी प्रदर्शन वाले कार्यकर्ताओं ने कोरोना
कोविड 19 और धारा 144 का भी जमकर उल्लंघन किया। सभी ने ना तो मास्क पहना और ना ही सोशल डिस्टेंस जैसे निर्देशों का पालन किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार इन नियमों का पालन करने को कहा जाता है। लगातार उनसे अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ पर नियमों की धज्जी उड़ाई गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।